अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग FS एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं फिलवक्त अल करीम गोट फार्म पर हूँ, ठीक है। बाकी सारा एड्रेस और सारी डिटेल जो है वो मैं भाई से लेता हूँ और बकरे आपको दिखाता हूँ। सारे के सारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। तो भाईजान, आपके हाथ में माइक है, ठीक है, ऑन डिमांड। आपने पहली बार डिमांड किया था कि मुबारक भाई आप आओगे तो माइक जरूर लाना, तो आपके साथ साथ मेरा भी प्रमोशन हो गया, मुझे माइक मिल गया। इतने साल तक मैं गले फाड़ रहा था जंगलों में, ठीक है। तो भाईजान, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुख्तार हुसैन गुलाम मोहम्मद नागलपरा है। मेरा गाँव है केसिम्पा। हाँ, तहसील? तहसील आती है भटनगर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट महसाणा, गुजरात। गुजरात, गुजरात, स्टेट गुजरात, राइट। तो भाईजान, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जुल्फिकार अली अब्बास भाई नागलपरा। ठीक है भाईजान, आपका? मेरा नाम सब्बीर हुसैन नागलपरा, बराबर। और फहद भाई का और आपका जजाकल्ला, आपने हमको इस चैनल पे इतना बड़ा मौका दिया, बराबर। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, खैर कोई नहीं। आप बताएं भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली मुखी। और आपका भाईजान? अकबर अली मुखी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सब्बीर अली अब्बास भाई नागलपुरा। कितने साल हो गए आपको चलाते हुए ये फार्म? कभी कभी मेरा तो 5 साल हो गए। मेरा 2 साल है, ये बाइक का अलग अलग है, सब अलग अलग है। मतलब 2 साल से शुरुआत? हाँ, 2 साल से बोलो। एक्सपीरियंस काफी होता है बकरे पालने में, बराबर, राइट राइट राइट। तो आप नहीं बोलोगे, अब आपका माल बोलेगा, है ना? तो फ्रेंड्स, ये है वो इनका माल, ठीक है। सारा का सारा लॉट जो है वो सूजत है, ठीक है। और आप गौर से देख ले, मैं इन्हें बाहर इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि धूप है, कहीं छाँव है, कहीं धूप है, तो वो हिसाब से, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं पूरा एक आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, आप देख ले। टोटल जो है वो माल सुजत का है और मैं इनसे सारा पूछूँगा, क्या वेट की पट्टी है ये, है ना, क्या केजी पे देंगे या पट्टी पे देंगे, क्या इनकी टर्म्स और कंडीशंस होगी, ठीक है ना, सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक एक करके दिखा दूँ। पहले बच्चे ये सारे मेरी तरफ आ रहे हैं, है ना, ये सारे के सारे मेरी तरफ आ रहे हैं। कोई नहीं, अब मुझे जाने के लिए रास्ता तो दे दो बेटा, जाने के लिए रास्ता दे दो। तो भाईजान, आप माजरा चाहूँगा क्योंकि नज़दीक हूँ मैं आप लोगों के और सारे के सारे को मैं एक साथ एक छोटा सा कैमरा, कोई बात नहीं, तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो भाईजान, नस्ल में सूजत है, नस्ल में कितने किलो की पट्टी है ये? ये कम से कम 80+ है, मैंने 30 मार्च को वजन किया है, 80+ वजन है। सारा का मतलब कोई 100 किलो का होगा, 65 किलो का होगा? मैंने एवरेज वजन किया, 80+ है। 80+ की पट्टी है ये? हाँ, पट्टी है, ठीक है। हाँ जी। तो भाईजान, मुझे एक बात बताएं, आप जो है ये पट्टी जो है केजी के हिसाब से देना चाहोगे या पट्टी के हिसाब से? केजी के हिसाब, जो आदमी की वही डिमांड है, इंशाल्लाह हम तो केजी के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा। केजी के हिसाब से बेचेंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या रेट आप ओपन करोगे रेट? हाँ, कोई बात नहीं, कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या रेट में देना चाहोगे? कम से कम मेरे हिसाब से मैं 510 रुपये बोल रहूँगा। 510 रुपये किलो? 510 रुपये किलो। तो बोल रहा भाई, ये रेट जो है मुनासिब लग रहा है आपको? हाँ, मुनासिब ही है, कहा के 80+ बकरी है, इसलिए इसने अच्छा, ट्रीटमेंट तो भी ऐसा किया है। कोई मेरा भाई अगर दूर से आ रहा है वीडियो देख के हमारे, ठीक है, और इंशाल्लाह आपके FSA का नाम लेगा तो मैं 5 रुपये आगे पीछे कर दूंगा। ऐसा है? आ, वो, ऐसा। वो अगर मेरा भाई अगर कोई लेने आ रहा है, अपने पैसे खर्च करेगा, वो माल लगाएगा, तो उसके नाम पे भी कुछ कम करोगे कि नहीं करोगे? FSA के नाम पे उसके हिसाब से 5 रुपये और कम कर दूंगा। हाँ, क्योंकि पहल उसकी है मेरा भाई, पहल किसकी है? जो मेरा भाई इस माल को खरीदेगा, है ना, पहल उसकी होगी, हम कौन, है ना। खैर कोई नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। खैर, आपने 500 रुपये किलो प्रॉन फिगर कर दोगे? कर दोगे, कर दोगे। डिलीवरी जो होगी वो कैसे होगी, मुझे ये बताएं। डिलीवरी जो पार्टी जब बोलेगी तब उठाने की? नहीं, मतलब ऑल इंडिया डिलीवरी है? हाँ, ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया है। यहाँ से एक बकरा लेने आएगा तो क्या 500 रुपये किलो दे देगा? ना, नहीं देंगे। हमारा काम है ओनली फॉर होलसेल का है। ये पूरी पट्टी का रेट आप दे रहे हैं? पट्टी का है। उस मान लो कि फिर मैं कस्टमर बन के आ गया आपके पास, बराबर, मैंने कह दिया कि यार मेरा भाई मुझे सिर्फ 5 बकरे दे दे मेरे घर की कुर्बानी के लिए, ये बराबर, तो फिर वो क्या रेट होगा? वो रेट मैं जाहिर नहीं करूंगा ये वीडियो में, लेकिन वो कॉल करके हम पूछेगा तो इंशाल्लाह बता देंगे। तो आप बाहर ले लिए मैदान में, बराबर, माल कहाँ दिखेगा? मैदान में दिखेगा, खुला खुला, है ना? सही है, ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही, राइट है ना। तो मैं एक बार फिर से माल दिखा देता हूँ, फिर कुछ बातें करेंगे आपसे। मेरा एक और सवाल है भाई जी, बकरीद के तो अभी काफी दिन है, मानते हो ना ये बात? सही है, है ना। तो
अगर आज ही कोई या कल कोई या कभी भी हफ्ते भर में कोई मेरा भाई आता है इधर आपके पास पे और बोलता है कि भाई मुझे बकरीद के 5 दिन पहले चाहिए, बराबर है ना, आज आप मुझसे सौदा कर लो, बराबर, और जो टोकन है तो वो टोकन आप ले लो, है ना, ओके, तो मिनिमम टोकन कितना रुपया होना चाहिए? 40% टोकन लूंगा, जो जो माल की कीमत होगी उससे 40% टोकन लूंगा, बकरी देंगे अगले दिन आप उठाने आओगे तो भी दूंगा, ठीक है, 40% टोकन आप दो, ओके ओके। अब टोकन्स के तो टर्म्स और कंडीशन तो बड़े हैं कि अगर आप माल लेने नहीं आओगे तो आपका टोकन गया, वो तो गया, मैं मुकर जाऊं तो टोकन डबल, ये यही टर्म्स और कंडीशन है क्या? हां वही 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 टर्म। अच्छा, अब इसमें जो है वो आज का वजन होगा या जिस दिन जाएगा उस दिन वजन करके, जो दिन जिस दिन पार्टी आएगा बोलेगा आज मुझे माल लेना है उस दिन लास्ट में इधर माल का वजन होएगा वही वजन मान्य होएगा, ठीक है। ये गुड़ का पानी ये वो ना, ऐसा फ्रॉडिंग इंशाल्लाह ऐसा फ्रॉडिंग नहीं होएगा। अच्छा, ये गांव में, ये गांव का नाम क्या बताया आपने भाई? केसिमपा गांव है मेरा। कितने फार्म रन करते हैं? कम से कम 40 फार्म है हमें। 40 फार्म है, 40 फार्म है, लेकिन हमारे जो 5 बंदे की यूनिटी है ना, हाँ, ये इसलिए हमने आपने को वीडियो बना। 5 से 40 क्यों नहीं कर रहे हो? करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे सबको लेंगे, करेंगे, लेकिन क्या बोलते हम इस काम में थोड़ा मजबूत कामयाब होएंगे तो बाद में सबको जोड़ोगे इंशाल्लाह, वादा कर रहे हो? हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमें ना जुड़ना है, सही सही में, हमारी चैन को ना बहुत बढ़ाने की आज जरूरत आ गई है यहाँ पे। तो अगर मैं वादा करता हूँ, अगर आप लोग अपने गांव को जोड़ोगे ना तो आपके साथ मुबारक खिलजी जुड़ेगा हर हाल में, देख ले, ठीक है। 500 रुपए किलो बल्क का पूरी पट्टी का रेट है। अगर कोई मेरा भाई 2 नग 5 नग 10 नग अगर लेना चाहता है तो उसके रेट्स जो होंगे वो अलग होंगे, मेरा भाई जो है वो फ़ोन पे बता देगा, पर्सनली कॉल कर दे, कोई बुराई नहीं है पर्सनली कॉल करने में, ठीक है। अब एक सवाल और है कि मान लो कि मैंने आज है ना मेरा भाई और ये सौदा किया, इसमें 36 नग है, 36 के 36 जो बड़े तंदुरुस्त है, हाथ पैर सही सलामत है, आँख नाक सही सलामत है, अब मैंने टोकन दे दिया 40%, बराबर 40% टोकन देने के बाद में, और मैं जब यहाँ लेने आऊँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरा भाई, हाँ जी बोलिए, तो 2 बकरे की आँख फूट गई, एग्जाम्पल एक बकरे का पैर टूट गया, तो फिर आप ये बोलोगे कि भाई आपने तो टोकन दे दिया, अब ये तो आपका माल है? ना नहीं नहीं बोलेगे, जो निकलने जो कुर्बानी में ज्यादा नहीं चलता है हमको भी मालूम है, वो सब निकाल देगी, जो जायज कुर्बानी के जो मसले है वही वही देगी, अगर वो उसके मापदंड में बैठ रहा है वो माल मेरा, और जो कुर्बानी में नहीं बैठ रहा है बराबर नापतोल में वो बकरा आपका, सही, सही। दो सही बंदे बताएंगे ना भी चलेगा तो चलेगा, वो व्यापारी लोग भी हम भी बताएंगे कि चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो शायद में निकाल देंगे। इस बाड़े का मैं एंड कर रहा हूँ, तो मैं एक बार बकरे दिखा देता हूँ, ब्रदर देख ले सारे के सारे ठीक है। तो भाई जान ये बकरा जो है ये कितने किलो का है? 101 किलो, 1.3 ग्राम कोई नहीं, 100 kg हम मान के चलते हैं, ओके 100+ का माल है, क्योंकि आप पट्टी पे तो दे रहे नहीं हो तो किलो की तो मतलब पट्टी की तो बात ही नहीं आ रही है। तो ये कितने दांतों पे है आपके पास? 6 दांतों पे, ठीक है ब्रदर। तो ये कितने किलो का है? 92 kg माशाल्लाह। ये जल्दी जल्दी 4 दांत ये कितने? 85 kg। ये वाला कितने किलो पे? ये 90 किलो पे। आप वाला पीछे ये देखो व्हाइट सिंह वाला 90 किलो, चलो ठीक है। ये 90, हाँ आप हार गए, आप जल्दी बताए कितने किलो का है? 92, यानी आपका वजन किया हुआ है। अगर नहीं करते ना तो आदमी कंफ्यूज होता है, खैर कोई नहीं, किलो पे दे रहे हो। दांतों में कितने की ये पट्टी, कितने दांतों पे है? अब ये मुद्दा है, 4 दांत, आप बोलिए ब्रदर, 4 दांत और 6 दांत में ज्यादा है, 4 और 6 बराबर। 2 के कितने, 2 दांत के कितने हो गए इसमें अंदाजा है कोई? कितने हैं अंदाजा? 10 नग। और 8 दांत के कितने नग हो गए? नहीं हो गए इंशाल्लाह, कोई नहीं हो गए, ठीक है। 80 किलो की पट्टी है ब्रदर, देख ले 4 से 6 दांत है। आइए तो फ्रेंड्स ये पट्टी नंबर 2 आ गई, पहले मैं एक बार दिखा दूं, है ना, ये कानों पे देखो नंबर वगैरह सारे मार्के, ये जरूरी होता है, ये एक्चुअली में ये बहुत जरूरी है ना मेरे भाई, बड़े फायदे वाली चीज है ये कान पे नंबर डालना, ठीक है। तो भाई चंद, हाँ जी, मुझे ये बताए ये पट्टी कितने किलो की है ऑन एवरेज? 66 kg की पट्टी है ना, 66 किलो की पट्टी है ब्रदर, देख ले जितने हो सके, और ऑल इंडिया डिलीवरी ट्रांसपोर्ट है अवेलेबल है ना, गाड़ी करा के दे सकते हो ना? करवा देंगे इंशाल्लाह, कोई भाई
तो आपके ग्रुप में कितने बकरे हैं सारे के सारे? मेरे ग्रुप में कम से कम 350-400 नंग है। अच्छा, इसमें कितने दांतों पे सारे जानवर? ज्यादा दो दांत में है, चार दांत में बहुत कम होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 66 किलो की पट्टी है, ठीक है, टर्म्स और कंडीशन तो सारी हो गई। क्या करें, ये पार्ट को अभी यहीं एंड कर दे। हाँ ओके, जजाकला, कोई बात नहीं, इजाजत है आप सबकी। ओके हाँ मेरा भाई, ओके ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।